एक देश एक चुनाव केंद्र सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक देश एक चुनाव प्रस्ताव संघ प्रणाली के खिलाफ है। इसे लागू करना संभव नहीं है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव जो सत्तारूढ़ भाजपा के छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाता है, संसद के अंदर और बाहर राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा एक देश एक चुनाव प्रणाली का विरोध करता है। हमारे वर्तमान चुनाव आयोग के पास पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की शक्ति नहीं है। हमारी चुनावी व्यवस्था को दोगुना करना होगा। ये सब जल्दबाजी में नहीं किया गया। नई चुनावी व्यवस्था लागू करने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की जरूरत है। इसके साथ ही संविधान में भी संशोधन की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस सब के वाकिफ है, लेकिन यह काम सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करने और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए किया गया है। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति ने राज्य भर के सभी जिलों से संबंधित जिला कलेक्टरों की मूल याचिका प्रस्तुत की है। बीदर जिले में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी है। प्रदेश संगठन समन्वयक मारुति बौद्ध, जिला संगठन समन्वयक अशोक गायकवाड़, जिला समन्वयक अरुण पटेल, राजकुमार वाघमारे, रमेश बेलदाड़े, शिवराज ताड़मपल्ली, सतीश रत्नाकर, शिरोमणि आदि उपस्थित हैं। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। जिले में डीजे सागर साहब के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में आज का धरना दे रहा है। आज हमारे केंद्र सरकार और राहुल गांधी को जाति के बारे में और एक इलेक्शन एक ही कंट्री के बारे में और कर्नाटक के MLA मुनिरत्न उन्हें जाति निंदन के बारे में खंडन करते हुए आज कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति हर जिले में आज धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दे रहे। हमारे बीदर जिले के नेतृत्व मारुति बौद्ध साहब के नेतृत्व में भालके, बसव कल्याण, हमनाबाद, औराद, कमलनगर, बीदर हर तालुके से हमारे हर तालुके के कन्वीनर आए और कार्यकर्ता और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्टर्स है और हमारे साई शिंदे और प्रजा शक्ति समिति के और भीम गर्जना समिति के सभी और संगठन के हमारे साथ दे रहे। आज के धरना में हम बौद्ध साहब के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को डिप्टी कमिश्नर के थ्रू से हम मैडम दे रहे जा रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, फिर इसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं? नहीं, उसके खिलाफ उन्होंने कर रहे, बोल कुछ हम खंडन कर रहे ना, संविधान के खिलाफ उनका उनका टारगेट ही है। बोलता है एक को चलता है एक को, महात्मा गांधी को भी घोड़ से पैर पड़को गोली मारे थे। ये भी पार्लियामेंट में जाते हो तो पैर पड़ रहे, पैर पड़को नया पार्लियामेंट बनाए। ये अब नए पैर पड़को कितने लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बीजेपी वाले खिलाफ बोलते, उनके पार्टी से नहीं निकले अभी तक, मौन रहते हैं लोग। तो इनका दिल में बोलने का करने का रहता है, वो लोगों को बताने का उनके करने का है। उसीलिए हम उसके ये दोनों जो पार्टी है बीजेपी और JDS कम्युनल पार्टी हो गए, उसलिए उनको खंडन करके आज का धरना दे रहे और राष्ट्रपति को हम ये मेमोरेंडम सौंप रहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से DC के हाथ से और कर्नाटक के जो मुनिरत्न है उसको पार्टी से बर्खास्त करना। BJP वाले इतना रहे तो भी कर ले को बैठे, उसलिए वो BJP का और जो नडे है उसको खंडन करते हैं। धन्यवाद।